हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हर बार की तरह उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होंगे और एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होंगे। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक एयर लेयरिंग के बारे में है। मैंने एयर लेयरिंग करने के बारे में आपको पहले बताया भी है, मैंने बोनसाई एक ट्री था उसको एयर लेयरिंग करने का तरीका बताया था, मगर ये मैं जो पौधा आप देख रहे हैं ये अंजीर का पौधा है, फिग ट्री है, जिसको अंजीर भी बोलते हैं हिंदी में भी और उर्दू में भी। तो ये अंजीर का पौधा है, मैंने इसको भी एयर लेयरिंग की थी, तो इसको एक महीने के करीब हो चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको देख लूँ कि ये एयर लेयरिंग इसकी जो इसने रूट अपने जनरेट करना शुरू कर दी है या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सही होगा सब। एयर लेयरिंग असल में एक पौधे से कई पौधे बनाने को कहते हैं। अब जैसे कि ये कुछ फ्रूट ट्री होते हैं जैसे माल्टे का, सेब का और अमरूद का, उनको एयर लेयरिंग से आप एक से दो पौधे बना सकते हैं, नहीं तो ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। छोटा सा पौधा होता है उसकी जो ग्राफ्ट होती है उसको उतार के नए एक सेब के या अमरूद के जिसका भी पौधा हो उसको उसी की फैमिली की जो स्प्राउट होता है छोटा सा काट के उसको लगाते हैं एज आ ग्राफ्ट उसको बोलते हैं, तो वो वहाँ से फिर स्प्राउटिंग स्टार्ट करता है तो वो फल भी देता है ज़्यादा। तो एयर लेयरिंग एक ऐसा ट्रिक है, ऐसा फन है कि आपके पास और बीज हो या ना हो ग्राफ्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एयर लेयरिंग करें और एक महीने के बाद इसकी रूट प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो उसको यहाँ से कट करके एक नए गमले में आप उगा दें या ज़मीन में उगा दें तो वहाँ से वो पौधा बनना शुरू हो जाएगा, उसको फ्रूट भी लगेगा। तो अब इसको ओपन करते हैं, अब देखते हैं कि कहाँ तक इसका प्रोसेस जो कंप्लीट हुआ कि नहीं। ऑलमोस्ट एक महीना तो हो गया होगा इसको। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एयर लेयरिंग कैसे मैंने की थी, इस पौधे की नहीं लेकिन वो बोनसाई एक ट्री है गमले में लगा हुआ था उसकी मैंने एयर लेयरिंग की थी, वो ऊपर ये वीडियो के ऊपर आप लिंक आ रहा है, आप इसको पे क्लिक कीजिए और वो आपको वीडियो प्ले हो जाएगी, वो आप वॉच कीजिए कैसे एयर लेयरिंग करते हैं। तो ये फाइनल कर रहा हूँ मैं एयर लेयरिंग से, अब मैं ख्याल ये है कि ये एयर लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। पहले थोड़ा सा इनसाइड देख लेते हैं कि इसके अंदर रूट्स हैं या नहीं। आई थिंक रूट्स, हाँ, वेरी गुड, बहुत वाह 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 वाह, बहुत खुशी हो रही है मुझे इस वक्त। ये इसके अंदर आप जो देख रहे हैं ये वाइट कलर की ये रूट्स हैं, तो रूट्स आई थिंक जनरेट हो गई हैं। अब बिला झिझक मैं इसको ओपन करता हूँ। ये टेप की थी मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक कवर करके, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इस बार मैंने चूज़ किया था एयर लेयरिंग करने का। मुझे कोई डर नहीं है, मैंने बिल्कुल इसको ना एयर टाइट किया हुआ था ताकि बाहर का पानी अंदर ना घुस सके और अंदर का पानी जो मॉइस्चर अंदर है वो हवा के ज़रिए या धूप के ज़रिए उड़ ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो व्यूवर्स, मैंने टेप इसमें रिमूव कर दी है, खोल दी है क्योंकि एक हाथ से मैंने कैम पकड़ा हुआ है। तो अब इसका ये कवर मैं हटाता हूँ, बहुत खुशी हो रही है यकीन मानो कि मैं भी एयर लेयरिंग कर लेता हूँ। ये बहुत खूबसूरत, वेरी गुड। आई एम अ गार्डनर एंड आई एम एक्सपर्ट, आई थिंक सो। ओके व्यूवर्स, ये मैंने प्लास्टिक की एक बोतल थी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है कैप वाला, उसके थ्रू मैंने इसको एयर लेयरिंग की थी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, इस ब्रांच को काट देंगे और इसको ग्रो कर देंगे किसी नए गमले में, तो ये वहीं से उसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अच्छे, मुझे यकीन मानो इतनी खुशी हो रही है के मैं बयान नहीं कर सकता। वेल, मैं अभी कटर पकड़ता हूँ और उसको काटता हूँ। ओके दोस्तों, ये मैंने कटर पकड़ लिया है, अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा। ओके व्यूअर्स, मैंने इसको काट दिया है, अब ये यहाँ से नया पौधा शुरू हो जाएगा। ये ऑलरेडी जो पहला पौधा है ये तो है ही, ये अब नए सिरे से स्प्राउटिंग इसकी स्टार्ट कर लेगा। ये देखिए आप, ये यहाँ से स्प्राउटिंग इसकी स्टार्ट हो रही है। वेल,
ये तो पुराना पौधा है, अब ये नया मेरे पास एक पौधा बन चुका है। ये एक पौधा बन चुका है, इसकी ये न्यू रूट्स हैं और जनरेट कर रही हैं अपने आप को। अब मैं इसको किसी नए गमले में उगा दूंगा, उसके लिए मैंने गमला ऑलरेडी पहले से तैयार कर लिया है, क्योंकि मुझे पता था कि गमले की अब ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी भी टेप रिमूव करूँगा। आई थिंक वीडियो को रोकना पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, मैंने टेप रिमूव कर दी है। अब ये बोतल आप चेक कीजिए, ये बोतल का सोडा बोतल जो होती है उसका ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ ढक्कन फिट होता है, तो वहाँ से लेकर थोड़ा सा मैंने काटा था। मैं इसको अब रिमूव करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत असल में इस टाइम मेरे पास स्टैंड है नहीं कैमरे का, तो एक हाथ से मैं कर रहा हूँ, तो फिर कर लेता हूँ, रोल डैमेज ना हो बस। ओके, ये मैंने कर लिया। अब आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो इसके ऊपर वाली साइड पर ढक्कन होता है सोडा बोतल का, जिस तरह ये आप बोतल देख रहे हैं, तो इस तरह का था। ये छोटे साइज़ की थी बोतल, तो ये नीचे से मैंने काट दिया था और जहाँ से ये लेयरिंग करनी थी मैंने उसके ऊपर चढ़ा के बीच में इसकी कंपोस्ट भर दी थी। ये अब अभी भी कंपोस्ट चेक कर सकते हैं, ये कंपोस्ट मैंने भर के तो इसके ऊपर दोनों साइडों से इसको एयर टाइट कर दिया था प्लास्टिक से कवर करके, प्लास्टिक रैप करके अच्छी तरह उसके ऊपर टेप कर दी थी, ताकि बाहर वाली हवा अंदर ना जाए और अंदर वाली हवा जो है अंदर बाहर ना निकले और बाहर वाली अंदर ना आए। तो अब ये रूट्स जो है ना वो जनरेट हो गई हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। अब इसको मैं नए गमले में प्लेस कर दूंगा, तो ये वहीं से फिर नए सिरे से अपने जो ग्रोथ है वो चलना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ये ट्रिक रहा, मैं एक्सपीरियंस रहा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसके बारे में जो मैं सक्सेसफुल हुआ इसमें। तो अब मैं इसको थोड़ी सी मिट्टी को साइड पर हटाना पड़ेगा, साइड पर हटा के ओके इसको मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। रूट्स जो है ना वो ऊपर से मिट्टी डालना पड़ेगी। ओके, मैं अभी ऐसा करता हूँ, पहले इसको मैं इसके जो पत्ते हैं वो रिमूव करता हूँ, ताकि इसका जो बर्डन है वो कम हो सके, क्योंकि ये नए सिरे से अब करेगा, इसमें वो पावर नहीं है अभी, क्योंकि रूट्स जो इसकी जो ब्रांचेज हैं वो अभी न्यू है बिल्कुल, सॉरी रूट्स इसकी। तो अब ये रहा, ये हमारा एक फिक भी लगी हुई है इसको, तो वो भी मैं उतार देता हूँ, क्योंकि फ्रूट को ज़्यादा पावर चाहिए होती है। तो अभी रूट जो है ना वो बहुत, ये अभी ट्रंक इसका, मैं अभी इसको खोल लेता हूँ थोड़ा सा, जो इसकी टैप रूट है वो भी काटनी पड़ेगी, क्योंकि टैप रूट ये नीचे आप देख रहे हैं, ये इसकी जो काफ़ी लेंथी है ये। ओके, ये थी ये टैप रूट इसकी, जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी लंबी थी वो मैंने काट दी है। बस ये ख्याल रखिए, ये जो फीडर रूट है इसको डैमेज ना हो, ये इसी के थ्रू इसी पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी और इसी से इनको खुराक मिलती है, मिट्टी से जो भी इन्होंने लेना होता है ना वो। तो अब मैं, तो मैंने अपना व्यूअर्स ये पॉट में इसको मिट्टी भर के ये दबा दिया है इसको, ये जो प्लांट है ये हमारा रेडी हो गया है। मैंने ऊपर से पानी भी दे दिया है, मैंने हाफ़ कंपोस्ट यूज़ की और हाफ परसेंट जो है ना मिट्टी यूज़ की है, तो ऊपर से पानी भी दे दिया मैंने। तो अब थोड़ी सी और थोड़ा सी लेयर कर दूँ मैं ऊपर कंपोस्ट की, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि जब नया पोटिंग करते हैं ना, नए सिरे से जो प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी भर के पानी देते हैं, तो कुछ देर बाद ना जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर से जो ना काफ़ी गैप बच जाता है, तो उसको कवर करने के लिए फिर से मैं थोड़ी सी कंपोस्ट यूज़ कर लेता हूँ, इससे मॉइस्चर भी मौजूद रहेगा।
मिट्टी के अंदर ऊपर वाली लेयर करने की वजह से। तो अब ये नए सिरे से ग्रोथ करना शुरू कर देगा क्योंकि इसकी काफ़ी रूट जनरेट हो चुकी हैं। तो अब ये फ्रूट है, दिल नहीं चाह रहा इसको काटने को, लेकिन काटना पड़ेगा। मैंने इसको तोड़ दिया है ताकि जो पावर है वो रूट्स को मिले और रूट्स अपने आप को और जनरेट करें, ताकि एक नए सिरे से वो अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर सकें, नए पत्ते निकल सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक प्लांट से हमने इसको दो बना दिया। अब ये देखिए कितनी इसकी टहनियाँ हैं इस प्लांट की, इस पौधे की। तो कितनी हम एयर लेयरिंग कर सकते हैं। एयर लेयरिंग का कोई मौसम नहीं होता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जैसा भी मौसम हो, आप एयर लेयरिंग करके उसमें कंपोस्ट भर के उसको एयरटाइट कर दीजिए। वो एक महीने में अपनी जो रूटीन है वो स्टार्ट कर देगा। तो रूटीन स्टार्ट कैसे करनी है वो मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, जिसके अब जो बोन साइड ट्री के बारे में थी उसको मैंने एयर लेयरिंग की थी उसकी, तो उसमें ट्रिक आपको बताया था कि आपने कैसे करना है। तो आप मेरी वो वीडियो भी वॉच कीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे किया था। तो वो ऑलरेडी हमारा मौजूद है पौधा, वो ये वाला है, जिसकी जो बहुत बड़ा पौधा था गमले में था, तो हमने उसकी एयर लेयरिंग की थी। एयर लेयरिंग अभी ये देखिए इसकी मौजूद है एयर लेयरिंग, लेकिन अभी इसने आई थिंक रूट जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं की अपनी। तो जैसे करेगा, जब ये इसकी हम करेंगे एयर लेयरिंग फाइनल हो जाएगी, हम जब इसको कट करेंगे तब भी मैं वीडियो बनाऊँगा आपको दिखाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है, एक प्लांट से कई प्लांट बन जाएंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस को, फेसबुक पर, ट्विटर पर, गूगल प्लस पर, और जहाँ जहाँ भी आप सोशल मीडिया जो है वो यूज़ करते हैं सर्विस उनकी। तो मेरी वीडियो के लिंक को पेस्ट किया करें फ्रेंड के साथ और पब्लिकली शेयर किया करें, ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें और मैं भी इस टाइप की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करता रहूं, और आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा, और आप लोगों को भी गार्डनिंग का शौक़ पैदा हो। ये बहुत अच्छा शौक़ है, बहुत मज़ेदार शौक़ है, मन भी बहलता रहता है इससे, और अच्छा भी लगता है अपने हाथों में मिट्टी, गमले की मिट्टी लगना और गंदे हो जाना हाथ, ये भी एक मज़ा अपना ही है। वेल, ये तो था कुछ फ़नी जो बातें की मैंने। तो अगली फिर वीडियो में मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।